अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक हीट रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 11 क्लास इंटर। तो हीट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू हीट, फर्स्ट पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, टू हीट तो हीट से रिलेटेड एक थ्योरी थी आपकी कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी, इन दिस थ्योरी इट वाज डिस्कस्ड दैट हीट इज अ वेटलेस फ्लूइड और गैस, यानी इसको मैटर डिस्क के तौर पर डिस्कस किया था, लेकिन वेटलेस, वेटलेस फ्लूइड और गैस। In this theory, heat is the wetless fluid or gas called कैलोरिक। अब यहां पर जिस सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ कैलोरिक, यानी जिस सब्सटेंस में कैलोरिक की तादाद ज्यादा होगी उसको हॉट तस्वर किया गया था, जिस सब्सटेंस में कैलोरिक की तादाद कम है उसको कोल्ड तस्वर किया गया था। और यह कहा गया था कि अगर मिसाल तौर हीट जो है वो जो प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है इस थ्योरी में, हीट जो कि प्रोड्यूस हो रही है वो बिकॉज ऑफ फायर और लाइट है। हीट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फायर इन दिस थ्योरी, हीट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फायर और लाइट। तो यहां पर जो है डिस्कस किया गया था कि भाई हीट, अच्छा ये इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट के कैलोरिक की तादाद जिसमें ज्यादा हो तो वो हॉट तस्वर किया जाएगा, वो हॉट सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस विच पजेस greater amount of caloric are considered to be the hot body or hot substance, जो कि आगे जाके गलत साबित किया। उसको साबित किया था एक्सपेरिमेंटल के तौर पर, एक साइंटिस्ट था रमफोर्ड, मैं नाम लिख लेता हूं इधर, रमफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक ड्रिल किया था, एक बोर ड्रिल किया था, जो है वहां की जो आर्मी का एक जो है क्या कहते हैं इसको असाइनमेंट मिली थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि वंस ही ड्रिल इनटू द वॉल, तो जो नीडल ऑफ ड्रिल थी वो कंटिन्यूस वर्कडन की वजह से या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट अप हो गई थी। तो यहीं से आइडिया आ गया कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वर्क, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो थ्रू एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड
heat is produced due to continuous work. Continuous work and friction. So heat can be produced through work done or friction. ये discuss किया था through experiment. तो Rumford was the one who discussed that, who proved that heat is a form of energy. Heat is a form of energy. तो यहां से हमें आइडिया आ गया कि हीट जो है अब वो वेटलेस फ्लूइड नहीं है. अब इस कैलोरिक थ्योरी का फेलियर पॉइंट, फेलियर इसका फेलियर पॉइंट था, इट वॉज दिस थ्योरी वॉज अनएबल to describe, unable to describe. तो इस थ्योरी का फेलियर, दिस थ्योरी वॉज अनएबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्क्राइब द ऑल प्रोसेस ऑफ thermodynamics as well as the production of heat through friction. ये भी इस थ्योरी के हिसाब से फेलियर पॉइंट निकला. तो जिसके बेसिस पर काउंटर किया था Rumford ने और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया था कि हीट जो है वो प्रोड्यूस भी, हीट कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस थ्रू वर्क डन एज वेल एज थ्रू फ्रिक्शन. तो उसके जो सेकेंड साइंटिस्ट था जेम्स जूल, इन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया अबाउट हीट. तो एक साइंटिस्ट था जेम्स जूल, 1840 जेम्स जूल इन 1840 एडी इंट्रोड्यूस द लॉ रिलेटेड टू हीट. वो लॉ ये था के वर्क डन यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है, यानी हीट की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर. तो हीट जिसको हम सपोज करते हैं क्यू के साथ, तो हीट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली या प्रोडक्शन ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम और टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन. ये इनकी स्टेटमेंट थी. टू रिमूव द साइन ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी वो यूज कॉन्स्टेंट, यानी जो वर्क डन पर हीट जो है वो डिपेंड करती है वर्क डन पर. तो टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो यूज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जूल, इसको कहते हैं जूल कॉन्स्टेंट, जूल्स कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू, इट्स कॉन्स्टेंट वैल्यू is 4.18 joule or 1 calorie. तो यहां से हमें और ज्यादा यकीन आ गया कि यानी इस थ्योरी के बाद तो और हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि हीट जो है इट इज नॉट अ वेटलेस फ्लूड और गैस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वर्क डन के थ्रू हमें मिली है या फ्रिक्शन के थ्रू हमें मिली है. तो यहां से अब जो है हीट की स्टेटमेंट एक परफेक्ट तरीके से आपको मिली. अब इसको अगर डिफाइन करने पे आए तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये पहला पॉइंट हमें कंफर्म होकर मिला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब आ जाते हैं वापस. ये हीट, ये मैं लेट सपोज करता हूं एक सिस्टम है,
यानी क्लोज सिस्टम, जैसे कि आपका के ये रूम भी हो सकता है, ये है एनवायरनमेंट। जो कि आपका हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पर, यानी वेदर पर। यानी एक एनवायरनमेंट है और एक सिस्टम है। लेट सपोज करते हैं जो एनवायरनमेंट है वो हॉट है, लेट सपोज करते हैं, तो सिस्टम आपका यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिस्टम, तो सिस्टम आपका स्टार्ट जो है वो कोल्ड है, तो नेचुरली जो हीट का फ्लो है, नेचुरली हीट जो है वो फ्लो होती है हॉट टू कोल्ड, ये हीट का फ्लो हुआ। इसको मैंने क्यू सपोज किया, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा हीट को। तो जैसे हीट आपकी इंटर होगी इनटू द सिस्टम, तो टेम्परेचर जो है ये जो पहले डिक्रीज था टी वन, वो कुछ देर के बाद हो गया इंक्रीज, यानी अब जो कोल्ड, जो सिस्टम कोल्ड था, अब वो हॉटनेस की तरफ जा रहा है ड्यू टू द डिफर ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हमने हीट को ऐड करवाया। तो ये आपका है नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको सिस्टम में से हीट को इजेक्ट आउट करना है, सिस्टम को में से हीट को इजेक्ट आउट करना है, अगर सिस्टम को हीट, सिस्टम से हीट को इजेक्ट आउट करना हो, तो यू हैव टू एक्सपेंड सम एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि हम यूज करते हैं एसी के लिए या रेफ्रिजरेटर के लिए। अब होगा क्या, जैसे सिस्टम को हम, सिस्टम में से हीट को इजेक्ट आउट करेंगे और बाहर की तरफ, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ तो दोबारा डिक्रीज हो जाएगा और सिस्टम दोबारा आपका हो जाएगा कोल्ड। तो ये हीट का फ्लो हो गया कोल्ड टू हॉट। लेकिन ये हीट का फ्लो जो कोल्ड टू हॉट है वो नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये इसको हमने, इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमने क्या किया है, एक्सटर्नल एनर्जी यूटिलाइज की है, खर्च की है, एक्सपेंड की है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, जब हम एग्जाम्पल ले रहे होते हैं एसी का या रेफ्रिजरेटर का। तो यहां से हमें और आइडिया क्लियर हो गया कि नेचुरल फ्लो ऑफ हीट क्या है, हॉट टू कोल्ड, और अननेचुरल क्या है, कोल्ड टू हॉट। जो नेचुरल अननेचुरल है उसको हमें करवाने के लिए एक एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर आ गए हम, तो हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरमेंट। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट, बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट, जो कि हॉट टू कोल्ड भी है और कोल्ड टू हॉट भी है, बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू द डिफर ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपकी एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई, ड्यू टू द डिफर ऑफ टेम्परेचर। ये हीट की होगी एक कंप्लीट डेफिनेशन। अब आ जाते वापस, जब हीट हम ऐड करेंगे किसी भी सब्सटेंस में, लेट सपोज करते हैं वो सब्सटेंस आपका जो है वो सॉलिड है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके जो एटम्स है वो जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उस पर एग्जर्ट हो रही होती हैं। अब जैसे ही हीट हमने ऐड किया है तो वो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल जो कि टाइटली पैक्ड हैं वो एटलीस्ट वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां से हमें पता चला कि वो पजेस कर रहे हैं मैकेनिकल मोशन, वो पजेस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैं अब हीट को डिफाइन करने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हीट को अगर हम डिफाइन करने पे आए तो टोटल दी टोटल ट्रांसलेशनल दी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of
all molecules of a substance. Of the substance is termed as heat. तो ये आपकी हीट की स्टेटमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. अब आ जाते वापस इसके मोड्स ऑफ, यानी अब इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं इनके मोड्स पर, मोड्स ऑफ हीट पर. मैं मोड्स ऑफ हीट पर जा रहा हूं, मोड्स ऑफ हीट फ्लो. तो देर आर थ्री मोड्स. कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट कंडक्शन. तो सबसे पहले मैं कंडक्शन को डिस्कस करता हूं. लेट सपोज करता हूं एक सॉलिड सब्सटेंस है आयरन, यानी आयरन स्फीयर के दो या आयरन रॉड के दो, आयरन मेटलिक रॉड. ये एक आयरन मेटलिक रॉड है. इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है. अब मैं इसके एक कॉर्नर पर हीट को ऐड करता हूं, यानी मैं हीट को सप्लाई कर रहा हूं थ्रू फायर. जैसे मैं हीट को ऐड करता हूं किसी एक एंड पर, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं. तो क्या होगा, जैसे हीट ऐड होगी एक एंड पर, एक कॉर्नर पर, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान एक वाइब्रेशनल मोशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कोलिजन ऑफ एटम्स. ये कोलाइड करेंगे एटम्स आपस में. तो होगा क्या, ये जो एक एंड पर हमने हीट सप्लाई की है, ये आस्ते विथ पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये हीट जो है इस एंड तक रीच हो जाएगी. तो यहां पर मैंने इस एंड पर हीट ऐड की, सप्लाई की, और ये हीट जो है वो दूसरे एंड तक पहुंच गई. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. यहां पर हीट का फ्लो हुआ है बाकायदगी से फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ अ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस कौन सा है? सॉलिड. तो अगर मैं इसको डिफाइन करने पर आऊं तो कंडक्शन इज द प्रोसेस. यहां पर आपने एक डिटेल में एक स्टेटमेंट बता दी, किसी प्रोसेस को डिफाइन भी कर दिया आपने. तो यहां इस प्रोसेस में आपने बताया है कि कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज थ्रू सब्सटेंस लाइक सॉलिड, यानी मेटलिक रॉड, फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर ड्यू टू द कोलिजन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. अब इसका सेकंड जो मोड है एक्सचेंज ऑफ हीट का, वो है आपका कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन को समझाने के लिए मैं सब्सटेंस जो है, अब सॉलिड का जिक्र नहीं करूंगा, वो सब्सटेंस जो है वो आपका लिक्विड होगा या फिर गैस होगा. लेट सपोज करता हूं एक बीकर इन विच लिक्विड इज इनक्लोज्ड, और वो जो लिक्विड है, लेट सपोज करता हूं वाटर, और वो वाटर जो है वो है कोल्ड, कोल्ड वाटर. जैसे ही हम मिक्स करते हैं कोल्ड वाटर में हॉट वाटर, ये हॉट वाटर मैंने बाद में डाला है, When both waters are in thermal contact, दोनों के दोनों लिक्विड सब्सटेंस जो है जैसे थर्मल कॉन्टेक्ट में होगा तो क्या होगा, हॉट वाटर जो है वो रेडिएट करेगा अपनी हीट एनर्जी, यानी हॉट वाटर जो है वो लॉस करेगा अपनी हीट, लॉस्ट बाय हॉट वाटर, हीट लॉस करेगा, और जो कोल्ड वाटर है वो इस हॉट वाटर की हीट को गेन करेगा. तो होगा क्या, जो इसका टेम्परेचर ज्यादा था
इसका टेम्परेचर इंक्रीज था और इसका टेम्परेचर डिक्रीज था आफ्टर मिक्सिंग, इन दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, जिसको हम कहते हैं थर्मल टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इसका मकसद है हीट आपकी फ्लो हुई है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड व्हेन बोथ सब्सटेंस आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट। तो हॉट वाटर से कोल्ड वाटर तक आपकी हीट फ्लो हुई है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर हमने वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया, यहां पर हम वर्ड को चेंज कर देंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, यानी हीट आपकी फ्लो हुई है लिक्विड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, लेकिन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। द प्रोसेस कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज थ्रू सब्सटेंस लाइक लिक्विड और गैस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसका थर्ड जो प्रोसेस है वो है रेडिएशन। अब रेडिएशन को समझाने के लिए मैं इसे कहता हूं एक सब्सटेंस है जिसको हम जो है वो हीट रिजर्वायर के ऊपर, यानी जिसके जरिए हम हीट जो है सप्लाई कर रहे हैं या थ्रू फायर जो है वो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक सब्सटेंस है। लेकिन एक और बॉडी है, ये बॉडी ए इसको मैं कह देता हूं, और एक और बॉडी है लेट सपोज हम खुद, एक और बॉडी है या इधर कोई मेटल सरफेस रख देता हूं। तो यहां पर हमने बराए रास्त, ये कोई फिजिकल कनेक्टिविटी भी नहीं है, ये हमने फिजिकली इनको कनेक्ट भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये हीटअप हो जाता है सब्सटेंस, तो इसकी जो हीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दूसरी बॉडी तक भी रीच हो जाती है। यानी एक इंसान जो है जिसको हम आम तौर पर देखते हैं कि एक इंसान जो है उसको बुखार हो गया है, इसने टेम्परेचर हो गया, तो उसके बराबर में तो दूसरा शख्स है उसको भी उसकी जो गर्माइश है वो महसूस होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हीट है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब वो कैसे है वो हमें डिस्कस करना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो आपकी एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बॉडी ही चेंज हो गई फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ड्यू टू द ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सन की जो अल्ट्रावायलेट लाइट रेज है जो कि अर्थ तक पहुंचती हैं और वैक्यूम में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ना इधर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, कुछ भी नहीं होता, कई एटम का पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी हीट आपकी फ्लो होके यानी रीच हुई है अर्थ पर फ्रॉम सन। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करने बैठे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेडिएशन को अ प्रोसेस इन विच हीट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द ऑस्किलेशन
of electric charges. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन. तो ये आपके तीन प्रोसेस थे थ्रू विच हीट फ्लोज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, या सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड और गैस, और जहाँ तीनों नहीं हो तब भी आपकी हीट जो है वो फ्लो हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर. अब क्विकली जो है हम इसके यूनिट्स पर डिस्कस कर देते हैं. भाई अगर हम SI की बात करते हैं तो हीट को मेजर करते हैं हम जूल्स में. जब हम CGS की बात करते हैं तो हीट को हम मेजर करते हैं अर्ग या अर्जबीस को कहते हैं. जब हम FES इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करते हैं FES फुट पाउंड सेकेंड, तो हम हीट को मेजर करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU. और एक और हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको हम कहते हैं प्री SI यूनिट, वो है आपका कैलोरी. तो ये चार यूनिट जो है वो डेली लाइफ में हम हीट से रिलेटेड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि भाई एक जूल में कितने आर्ज होते हैं. तो ये मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देता हूं. भाई एक जूल में जो है वो आपका 10^7 आर्ज होते हैं. इसी तरीके से एक कैलोरी में आपका 4.18 जूल होते हैं. थोड़ी देर पहले हमने जूल इस्लाम में भी डिस्कस किया है. एक BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो 255 कैलोरीज के बराबर होता है. उस हिसाब से एक BTU में कितने जूल्स हो गए, 1055 जूल्स. तो ये हमने कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू हीट. आई होप आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल समझ में आएगा. इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.